उनको भी फांसी दी है, उनके फैमिली ने काम किया उनके साथ, उनके लड़के ने हत्या की है, मगर वो क्या काम किया। कृपया आपसे अनुरोध है, उनके पिताजी बोल रहे हैं, कृपया शांति बनाए रखें और उनके बातें सुने, प्लीज बात सुने। आप लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पिताजी बोल रहे हैं, उनकी संवेदना है, आप बात सुने उनकी। रिपोर्ट प्रशासन जो है पूरा मेरा सहयोग दे रहे, लेकिन राज्य जो विभाग के जो पटवारी थे विवेक कुमार जो कानाखाल पटवारी क्षेत्रीय अमृतसर में बैठते हैं, तो मैं 20 तारीख को जब वहां गया था तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी, तो रिपोर्ट नहीं लिखी। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे से तुमसे पहले जो वो आए थे होटल में मालिक, उनकी मैं रिपोर्ट लिखी, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। तो मैं कुछ ये मैं समझ गया कि सबके दायरे में मैं समझ गया कि इनका जो है ये होटल मालिक के साथ मिली हुई है। तो उसके बाद मैंने एक उनसे एक आवेदन किया कि सर आप जो है कि मेरा जो इन तीन अपराधी हैं इनके खिलाफ में एक आवेदन करके इनका नाम दिया। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन साहब मैंने कहा आवेदन मैं करूंगा, लेकिन आप इसके रिसीविंग मुझे दोगे। इन्होंने सब मना कर दिया कि ये रिसीविंग नहीं मिल सकती है, अब ये जो है कोरदा जाऊंगा मैं, थाने में जाऊंगा। मैंने कहा जब तक कोरदा जाएगा थाने जाएगा तो मेरे लड़की तो वैसे भी किडनैप हो रही है, उसको जान की खतरा है। तो मैंने फिर पौड़ी उसी समय तुरंत फोन किया एक हमारे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सोहन सिंह रावत जी से, उनको मैंने फोन पे किया कि ऐसी ऐसी बात है और पटवारी हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तो उन्होंने 9:30 बजे तुरंत पटवारी को फोन किया कि आपने इनकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी, कि जबकि मैं उनका पिता अंकिता भंडारी का पिता बीरेन सिंह भंडारी हूँ, तो मेरी रिपोर्ट लिखनी चाहिए, लेकिन नहीं लिखी। उसके बाद मैं ठीक जो हमारे उत्तराखंड के स्पीकर रेणु खंडू जी हैं तो ऋतु खंडू जी हैं, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत डीएम साहब पौड़ी को फोन करके कहा कि इस जो इन्होंने जो रिपोर्ट की है इसकी तुरंत आप कार्रवाई की जाए। उसके बाद फिर मैं रिस्क तो था ही, मैं भटक रहा था जगह जगह थाना में जगह जगह भटक रहा था, तो उन्होंने डीएम साहब ने तुरंत लक्ष्मण झूला थाना के लिए तुरंत आदेश कर दिया इसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। और तब जाके इन्होंने इन लोगों ने पुलिस प्रशासन ने मेरा पूरा सहयोग देकर मुझे पूरा सहयोग किया, इनके साथ में गया, ये लोग मेरे साथ आए, उन्होंने जगह जगह मुझे कि आपको कोई परेशानी है तो बताइए हमें। तो मैंने कहा साहब बहुत अच्छा आपका जो है जो प्रशासन और सहयोग आपने दिया, तो मुझे इनका धन्यवाद करता हूँ। बात सुनो सर, तो मैं चाहता हूँ तीन अपराधी जो है इनको आज के अंतर्गत फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री के आसन आज सुबह आश्वासन दे चुके हैं, भारत ट्रैक के अंतर्गत मैंने एसआई गठित कर दिया है, ये पूरी जांच करेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप एक एक जाम तारा सा छोड़ना, क्योंकि आप ही के भाई हैं ना, आप जरा जान छोड़ दी है आप, क्योंकि बच्चे एम्बुलेंस होती है जो हमें एक रिपोर्ट पहले मिली थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी मिली थी, उसमें एक तो उस लड़की के टांग टूट रखे हैं, जगह जगह खंज लगे हैं, ठीक है, लेकिन गलत रिपोर्ट है। लेकिन जब तक पूरी हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली, तब तक जो है आप लोगों की क्या है कि लड़की के इतिहास स्वीकार करें कि न करें, आपकी राय क्या है? सुनिए प्लीज, आज अंकिता के पापा आपसे राय जानना चाह रहे हैं, आप सुनिए पहले, आपसे सुनिए।
अरे आप क्या कहते हैं, मेरी लड़की का बेस होना चाहिए नहीं। इनकी बात तो सुनो, इनकी बात सुन लो, पहले क्या बोलना चाह रहे हैं बात तो सुन लो। आप लोग कृपया धैर्य बना रखो, शांति बनाओ। उसके पिताजी बोल रहे हैं, उनकी बात को सुन लो, क्या बोलना चाह रहे हैं। आप बोलो मेरी लड़की का डांस रोजगार होना कि नहीं आज? सुनो तो सही, बोलो सुनो तो सही। हेलो हेलो हेलो, हाँ समझ रहे भाई, कौन सा Thank you.